नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग हाफ बाउल मूंगफली का दाना लिया है और हाफ बाउल चूड़ा है। तो चूड़ा यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा मोटा वाला, बिल्कुल बारीक जो आता है पेपर चूड़ा या प्रसाद वाला चूड़ा भी उसको लोग बोलते हैं, वो नहीं लेंगे, थोड़ा सा मोटा चूड़ा लेंगे। ये देखिए किस तरह से है और पास से मैं दिखा रही हूँ। तो इस चूड़े से हम नमकीन बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑयल गरम कर लेंगे और ऑयल में डालेंगे, बहुत ज्यादा गरम ऑयल नहीं है, मीडियम गरम है। गैस फ्लेम लो रखेंगे और लो गैस फ्लेम पे चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे, गैस फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ऊपर से सिक जाएगा दाना और अंदर से कच्चा रहेगा। लो गैस फ्लेम पे ही क्रिस्प करेंगे। इसमें देखिए आपको चट चट की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, तो चट चट की आवाज आनी बंद हो जाएगी, इसका मतलब अच्छी तरीके से पक गया है। तो देखिए कलर चेंज हो गया है, देखने से लग रहा है कि अच्छे से खस्ता हो गया है। अब निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में ये जाली वाला छन्नी रख देंगे, इसकी वजह से चूड़ा फ्राई करने में आसानी होगी। गैस फ्लेम हाई रखेंगे और जाली के ऊपर थोड़ा सा चूड़ा डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, मैंने अभी लगभग 1 टेबल स्पून दिया है और इस तरह से चला देंगे तुरंत। देखिए कितना बढ़िया फूल गया है, ऑयल में बहुत ज्यादा देर नहीं रखेंगे, बस फूल जाए तुरंत निकाल लेंगे। जाली की वजह से देखिए ऑयल से बहुत आसानी से चूड़ा अलग हो गया है। अगर हम जाली में फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑयल में करेंगे, तो सब चूड़ा इधर से उधर फैलता है। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। जैसे ही ऑयल गर्म हो तुरंत चूड़ा डाल के, जैसे ही चूड़ा फूल जाए तुरंत निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा देर ऑयल में नहीं रखेंगे। ये देखिए फूल गया, तुरंत निकाल लिए। इसी ऑयल में थोड़ा सा करी पत्ता डाल के फ्राई कर लेंगे। अब एक बाउल में डालेंगे, मूंगफली का दाना भी डाल देंगे इसी में। चूड़ा और मूंगफली का दाना फ्राई करने के बाद टिश्यू पेपर या किचन नैपकिन पर रख दीजिए ताकि सारा ऑयल ये खींच ले, क्योंकि चूड़े में बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है अगर हम डीप फ्राई करके बनाते हैं तो। अब इसमें ये करी पत्ता डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच से भी कम सादा नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और चूड़ा मूंगफली दाना भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार फ्राई कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें सादा नमक डालूंगी, बाकी कुछ भी नहीं डालूंगी। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और अमचूर पाउडर ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। इस तरह से प्लेन नमकीन खाने का भी अपना अलग मजा है। आपको नहीं पसंद है तो आप तीखा, चटपटा, तेज भी बना सकते हैं। बच्चों को तो ये नमकीन बहुत ज्यादा पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है ये। बस इसमें ऑयल काफी हो जाता है तो इसलिए हमेशा नहीं खा सकते हैं। आप अगर कम ऑयल में पोहे चूड़े का नमकीन खाना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो चैनल पे डाल के रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो नमक अच्छे से मिल गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो देखिए कितना बढ़िया झटपट पोहे और मूंगफली के दाने से नमकीन बनके तैयार हो गया है। खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और बनाने में बहुत आसान है। जितनी आसानी से ये बन जाता है उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। आशा करती हूँ मेरी ये सिंपल सादा नमकीन बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक आसान सी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।